ass like. हेलो एवरीवन, तो कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ आप पहले की तरह अच्छे ही होंगे। गाइस, मैं हूँ सनी ताजपरिया और स्वागत है आप सभी का डायमंड किंग यूट्यूब चैनल की एक न्यू वीडियो में। तो गाइस, लेके आ गया हूँ एक काफ़ी कमाल की वीडियो जो कि आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगी। अगर आपको वीडियो पसंद आए या उसके अंदर कुछ भी पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर देना और इस वीडियो को लाइक कर देना, ठीक है। और सबसे पहले तो आप सभी लोगों को हैप्पी न्यू ईयर, और यहाँ पर 2023 आ चुका है, ठीक है। बारी है शॉर्ट आउट देने की, तो पहला शॉर्ट आउट है यस गेमिंग को, दूसरा शॉर्ट आउट है जितेश को, तीसरा शॉर्ट आउट है अमरुद गायकवाड को। अगर आप भी ऐसे शॉर्ट आउट चाहते हैं तो वीडियो को लाइक कर दो और एक अच्छा सा कमेंट कर दो। जिसका भी अच्छा कमेंट होगा नेक्स्ट वीडियो में उसको शॉर्ट आउट मिल जाएगा, ठीक है। बात करेंगे स्काईलाइन एज एमुलेटर की। जी हाँ गाइस, स्काईलाइन एज वर्जन 22 आ चुका है, ठीक है, जो कि ज़बरदस्त है। और काफ़ी सारे गेम फिक्स हुए हैं इस वाले अपडेट में, जो कि ज़बरदस्त गेम फिक्स हुए, ठीक है। एंड यहाँ पर काफ़ी कमाल का ये अपडेट मेरे को लगा है, एंड गेम भी बहुत सारे इसमें जो है फिक्स हुए हैं एंड प्लेबल हुए हैं, ठीक है। तो कौन से गेम जो है प्लेबल हुए हैं, यहाँ पर एक मेरा फेवरेट गेम है जो प्लेबल हुआ है, जो कि मैं हमेशा, आपने मेरे वीडियो पर गेम प्ले देखा होगा, जो मैं गेम्स की बात कर रहा हूँ उस गेम का नाम है ओशन होन 2, ठीक है, जो कि ज़बरदस्त गेम है और मेरा फेवरेट गेम है गाइस। वो प्लेबल हो चुका है स्काईलाइन एज के लिए, ठीक है। तो आप चाहो तो इस गेम को अब स्काईलाइन एज में प्ले कर सकते हो, ठीक है। अगर आपको एमुलेटर टेस्ट करना चाहते हो तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक वीडियो मिल जाएगा, उस वीडियो को जाकर देखो एंड आपको एमुलेटर मिल जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर GTA 3 भी प्ले हो रहा है, ठीक है, लेकिन ये गेम नहीं चलता है, ठीक है। अभी ओपन हो रहा है बट यहाँ पर जो है प्रॉब्लम है एंड यहाँ पर गेम क्रैश हो जा रहा है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा ओपन होता है फिर जो है क्रैश हो जा रहा है, ठीक है, गेम तो अभी नहीं प्ले हो रहा है। तो यहाँ पर तीसरे गेम की बात करो तो यहाँ पर ड्रैगन बॉल सेट ककरूट गेम, ठीक है। तो ये गेम प्लेबल है लेकिन यहाँ पर बहुत सारा ग्राफिक ग्लिच आ रहा है, ठीक है। फ्रेम रेट अच्छे देखने को मिल रहे हैं, काफ़ी अच्छे FPS पर चल रहा है, लेकिन यहाँ पर ग्राफिक ग्लिच आ रहा है, करेक्टर जो है नहीं दिख रहा है, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम है अभी, तो आगे जाकर ये गेम भी फिक्स हो जाएगा। एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना, ठीक है। तो मैं मिलता हूँ आपको ऐसे एक न्यू वीडियो में, तब तक के लिए।